नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे 5 कॉम्बिनेशन जो हमारे खाने में अगर हम खाते हैं तो वे एक दूसरे के गुणों को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं और बहुत ही हमारे शरीर में लाभकारी होते हैं बिना किसी दोष को उत्पन्न किए हुए। तो कौन से हैं वो 5 कॉम्बिनेशन? तो पहला है, अगर आप मेथी का साग खाते हैं तो उसके साथ में आप गाजर को ऐड करिए। गाजर को आप सलाद के रूप में भी ले सकते हैं या फिर आप मेथी के साग में भी गाजर को है वह मैश करके उसमें डाल के उबली हुई गाजर उसके साथ में उबाल के खा सकते हैं। और दूसरा है, अगर आप बथुए के साग का सेवन करते हैं तो आपको जो दही का बना जो रायता होता है बूंदी वगैरह डाल के अच्छे से धनिया वनिया डाल के बढ़िया रायता बना के उसके साथ में आप प्रयोग करें। और उसके बाद में है कि जो मीठे आम होते हैं, मीठे आम पके हुए आम की बात कर रही हूँ, जो मीठे पके हुए आम होते हैं, खट्टे आम यानी कैरी नहीं, उनके साथ में आप है गाय के दूध का सेवन है मीठा डाल के मिश्री वगैरह डाल के अगर प्रयोग करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो आयुर्वेद में जो फल होते हैं और दूध होता है उनका है वह विरुद्ध बताया गया, संयोग विरुद्ध बताया गया, यानी कि वे दोनों हैं वो कॉम्बिनेशन में सही नहीं बैठते हैं। लेकिन एक जो गाय का दूध होता है वह एक्सेप्शनल होता है मीठे आम के साथ में, जो कि है गुणों को बढ़ाने वाला होता है, अच्छा रहता है। अगर आप चावल खाते हैं तो उसके बाद में आप नारियल की गिरी ऐड करें तो जो आर्द्र अवस्था में नारियल की गिरी रहती है अगर आप वह प्रयोग करते हैं तो अच्छा है। अगर वह नहीं भी आपको मिलती है तो आप सूखी वाली नारियल की गिरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो खजूर होते हैं, खजूर होता है वह उसके साथ में आप दूध का प्रयोग करें। जब भी आप खजूर खाएं तो दूध के साथ में खजूर खाएं। तो ये 5 कॉम्बिनेशन हुए जो कि अगर साथ में लिए जाए, कॉम्बिनेशन में लिए जाए, अपने आप के गुणों को बूस्ट करके हैं वह हमारे शरीर में फायदा पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारी बताई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।